How to fix Samsung S5 LTE hang and restart problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हैंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब हमारे डिवाइस ठीक है हैंग हो जाते हैं तो वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम ये। तो अगर दोस्तों आपकी जो डिवाइस है ठीक है सैमसंग का, वो भी अगर हैंग हो जाते हैं, हैंग होने के बाद अपने आप रिस्टार्ट भी हो जाते हैं, तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम है ठीक है, और आपको कैसे ये प्रॉब्लम फिक्स करना होगा, आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो जाएगा ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हैंग एंड रिस्टार्ट प्रॉब्लम है ठीक है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्टोरेज में से क्लीन अप करना होगा। स्टोरेज को क्लीन कीजिए और मोबाइल पे कई सारे एप्लीकेशन है तो उसको डिलीट कीजिए ठीक है। बहुत बड़ा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसका डेटा को क्लियर करके यूज़ कीजिए, इससे आपका जो रैम है वो खाली होगा ठीक है। और कोई भी दोस्तों एप्लीकेशन जो कि बैड एप्लीकेशंस होगा उनको भी डिलीट कर दीजिएगा। बैड एप्लीकेशन जैसे कि कोई अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन ठीक है, तो उनको डिलीट कीजिए और अपने स्पेस को फ्री अप कीजिए। उसके बाद माय फाइल्स पे जाए और यहाँ पे भी दोस्तों स्टोरेज को फ्री अप कीजिएगा ठीक है। जब स्टोरेज आपका 40-30% एम्प्टी हो जाएगा तब आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट होने के साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो हैंग और रिस्टार्ट का जो इशू है आप इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन को आप फॉलो करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं तो आपको जाना है जनरल मैनेजमेंट रीसेट एंड देन फैक्ट्री डेटा रीसेट ठीक है। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे जाके आपको डायरेक्टली मोबाइल रीसेट कर देना है, जैसे रीसेट करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने हैंग एंड रिस्टार्ट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया दोस्तों उसी को फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कतें बाद में नहीं होगा ठीक है। तो जो पॉसिबल सॉल्यूशन था मैंने आपको वही बताया, तो आप भी उसी को फॉलो कर लेना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।